दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुरी इलाके में कल रात मणिपुर के 33 वर्षीय एक पीएचडी स्कॉलर का शव उसके घर से बरामद किया गया। गला काटकर उसकी हत्या की गई है। पीड़ित की पहचान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जिंगराम केनगो के तौर पर की गई है। वो कुछ महीने पहले ही दिल्ली आया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस प्रथम दृष्टिया में इसे डकैती का मामला नहीं मान रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जितने भी हमें डायरेक्शंस हैं कोर्ट की ओर से और बाकी सब, उसका हम पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। इससे सैड इंसिडेंट अगर इस तरह से हुआ है तो बाकी एक्शन हम जो है ग्राउंड पे कंप्लीट ले रहे हैं। उधर दूसरी तरफ बेंगलुरु में मणिपुर के ही एक छात्र की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई कि वो एक बेसहारा महिला की मदद कर रहा था। दरअसल शराब के नशे में कुछ मंचले एक महिला को छेड़ रहे थे तो छात्र सैमुअल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Calling me old bad language and using vulgar language and all. But I didn't speak anything. I just move ahead. I thought they left, but while I was going about 30 meters, they came and attacked me from behind. The local police acted very swiftly. They arrested one person last night. They arrested the remaining two people in the morning. They have been booked under the appropriate sections of law, and action will be taken against them. इसी साल अरुणाचल प्रदेश के नीडो तानियाम की निर्मम हत्या के बाद जिस तरह से दिल्ली में आरोपियों को पकड़ने के लिए लोग सड़कों पर आए, उसके दबाव में सरकार ने 15 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने ऐसे अपराधों की जांच के लिए विशेष दस्ता बनाने की सिफारिश भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।